अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आज दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। घटना का कारण एक पक्ष द्वारा कुछ चोर किस्म के लड़कों को अपने घर के बाहर खड़े होने से मना करना था, जिस पर दूसरे पक्ष के लोग लाठी डंडे लेकर आ गए और पहले पक्ष पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। किसी ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। घटना के बाद एक पक्ष थाने पहुंचा और अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। इस घटना में तीन लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने जिनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा है और मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हमदर्द नगर में सद्दीक अहमद अपने परिवार सहित रहते हैं। वहीं पड़ोस में उनके अहमद, शाहिद व अन्य लोग रहते हैं। सद्दीक अहमद का आरोप है कि अहमद व शाहिद इत्यादि यह लोग चोर किस्म के लोग हैं। इन पर चोरी के कई आरोप हैं, इसलिए आज जब वह उनके घर के बाहर खड़े थे तो उन्होंने उनको वहां खड़ा होने से मना किया, जिसका उन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और जाकर लाठी डंडे ले आए और सद्दीक अहमद पक्ष पर हमला कर दिया। सद्दीक के परिवार के लोग भी आ गए और दोनों ही पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस घटना में तीन लोग घायल हो गए हैं। किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। झगड़ा होने के बाद सद्दीक अहमद का पक्ष थाने पहुंचा और दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। घटना में सद्दीक अहमद पक्ष के तीन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। सिविल लाइन क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी अनिल समानिया ने बताया कि आज दो पक्षों के बीच जिनमें पहला पक्ष सद्दीक अहमद, शाकिब और आमिर है, जबकि दूसरा पक्ष अहमद, शाहिद, अली अहमद इत्यादि लोग हैं। इन दोनों के बीच खड़े होने को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर दोनों ही तरफ से लाठी डंडे चले। इस पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। घटना में तीन लोग घायल हुए हैं। संवाददाता मोहित गुप्ता की रिपोर्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमदर्द नगर बी में सद्दीक अहमद और उनके लड़के शाकिब भतीजे आमिर, एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है इसमें अहमद साहिद, अली अहमद, आरिफ, शाहरुख और कलवा, इनके बीच में मारपीट हुई है। इनका कहना है सद्दीक अहमद का कि हमने इन लोगों को अपने चबूतरे पर खड़ा होने के लिए मना किया था कि यहाँ खड़ा हुआ मत हुआ करो। उन्होंने कहा हम तो यहाँ खड़े होंगे। इसी बात को लेकर दोनों में मारपीट हुई और सद्दीक, साकिब और आमिर ये तीन लोग थाने पर आए हैं। इनको हल्की चोट है, इनका मेडिकल कराकर FIR दर्ज की जा रही है। कुछ घायल भी हुए? तीन लोग घायल हैं, सद्दीक, साकिब और आमिर, तीनों का मेडिकल कराया जा रहा है, मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। आमिर कहाँ के रहने वाले हो, क्या बात है, चोट कैसे लगी, थाने में कैसे हो? भाई हम हमदर्द नगर बी के रहने वाले हैं। बात ऐसी हुई थी, कुछ लोग हैं जो चोरी ही करते हैं हमारे मोहल्ले में, तो अक्सर में हमारे बड़े अब्बा जो हैं वो घर के बाहर बाइक पर बैठे हुए, उन्होंने ये बोला कि भाई कुछ लड़के खड़े लेकर घर के बाहर मत खड़ा करो, ये बहन बेटी सबके आगे होती, तो उन लोगों ने छूटते ही बोला कि बुला लो पुलिस को, जो तुम पे करा जाए करा लो। इसी बात पे हमारी लड़ाई हुई। क्या किस तरीके से चोट आई आप लोगों को? ये सर मेरे जो है ईंट लगी है, बड़े ताए की भी ईंट लगी है, छोटे भाई की भी ईंट लगी है, ईंटों मारी है, डंडों से बड़े घर को, और कुछ लड़के उन्होंने बुला रखे थे, करीब 50-60 लड़के उन्होंने और बुला लिए थे। कोई मोबाइल चोरी का भी मामला चल रहा था? नहीं नहीं, मोबाइल चोरी का मामला नहीं चल रहा। आपका? सिद्दीक अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? हमदर्द नगर बी जमालपुर चांद मस्जिद के पीछे। ये किस तरीके से आप, चोट आई है, क्या मामला हुआ? भैया मैं अपने मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था, वहाँ कुछ चोर लोग खड़े हुए थे, मैंने उनसे इस पर एक्शन लिया, मैंने कि भैया यहाँ लोग मत खड़े हुआ करो, यहाँ हमारी बहन बेटी है भैया, बस उन्होंने उसके बाद ही मारना शुरू कर दिया। चोर लोग का मतलब किस तरीके से चोर लोग, क्या मोबाइल चोरी का मामला भी बताया जा रहा है? चोरी है, दूसरे के घर की चोरी है। ये आपके इलाके के लोगों का कहना है कि ये करीब 3 दिन से 4 दिन से चोरी का मोबाइल का मामला चल रहा था। जी हाँ, नहीं मोबाइल का चल रहा है, दूसरे के घर की चोरी का माल बरामद करा गया। तो इसमें मोबाइल चोरी का भी मामला था? इसमें नहीं, मोबाइल चोरी का तो बाद में है, पहले जो जिसके घर में चोरी हुई है उसके माल बरामद हुआ है। तो जो माल बरामद हुआ है वो माल भी है, मोबाइल चोरी का भी मामला है। हाँ, और उसमें मेरे ऊपर सिर्फ मेरा ये कसूर है कि दूसरे आदमी ने मुझसे एप्लीकेशन लिखवा ली थी, मुझे इस वजह से मारा गया कि वो तुमने एप्लीकेशन रिपोर्ट क्यों लिखी। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।